झील पाठ पढ़ुचे गुरु आश्रम आउ गुरु गोरेखनाथ ताकू एमती ब्रह्म ज्ञान शिक्षा देले आज्ञा यही शिक्षाटा ही भविष्य कम कर बापा माँ गोटे छोट कथा कौच आज्ञा आपण मैंने बहुत पाठ पढ़ी थ पारती आईए बीए एमए केत कौन पढ़ुं डिग्री सब हासिल करूँ आज्ञा किंतु थरे मने रखिबे आपण को प्रथम द्वितीय श्रेणी रे जो सारे पाठ पढ़े जितेबले देखिए पाद धूली मुंडरे मारे कारण आपण को मूल दुआटा सी पकई प्रथम विद्यादान जी कर भूलवा उचित नुह आउसी सार को जीवन में भूलवा उचित नुह प्रत्येक सार आम गुरु महान समस्त पाद तले आम मुंड नईजी निश्चित समस्ते आमर गुरु आज्ञा गुरु शब्दटी एत छोटिया शब्द नुहे गुरु शब्दर अर्थ हूँ गरियान गुरु माने गरियान तेणु जीवन रे निश्चित गुरु ग्रहण करने दरकार एवं छुआ दिन ठू आज पर्यंत जेतिकी सार माने आमको पाठ पढ़ाई से पाखरे आम कृतज्ञ हवा दरकार आज आम ए जगार पहुँची आज आम ए पाहियारे पहुँची ये सब हूँ सार मानकर अवदान सार मानकर अवदान आज आम ए जगार पहुँची तेणु सबुबले शिक्षक समाज पाखे मुंड नईवा दरकार कृतज्ञ रहिबा दरकार ऋणी रहिबा दरकार आज्ञा विद्यादान गुरु ए बापा माँ गोटे श्लोक कहूँ आपण आगे गुरु ही सर्वधर्मार्थम काममोक्षं प्रदं गुरु गुरु नाम सुखं नाम गुरुंकर नामटा हूँ सुखर नाव भवसागर उतरिबा पाई आ गोटे श्लोक कहूँ कोटि यज्ञम कोटि व्रतम कोटि तीर्थम कोटि दान ए सर्वे जात पुण्य फल गुरु दर्शने केवल कोटिए यज्ञ करंतु कोटिए उपासना करंतु कोटिए व्रत करंतु आज्ञा जेतेके पुण्य फल मिलिवो गुरुंकु खाली दर्शन कले सेतेके पुण्य फल मिली थाए सत आज्ञा भगवान सेइतिपई निजे कहिचंती कहले हे भक्त माने सुण मोहि बसई गुरु दे मो तहु गुरु भिननु हे निजे कहते मु बसे गुरु देहरे मो तहु गुरु भिन्न नुहे गुरु गोविंद आज पर्यंत मुझे आज्ञा गोटे नाम ही धरिची प्रत्येक दिन आरंभ रे उच्चारण करे शेष रे उच्चारण करे गोटे नाम कौन गुरु गोविंदाय नमः गुरु एवं गोविंद ये दुई जन होचंती ए संसार रे मुख्य आज्ञा आउ ये दुई जन को भितर भिन्नता नहीं गुरु जी ए गोविंद सीए आउ गोविंद जी ए गुरु ही सीए आपण जहा को गुरु बोली मानुचंती आज्ञा से गुरु ही आपण को पाई गोविंद सब गुरु माने आम पाई महान गुरु परंपरा होची महान एटा छुटिया कथा नुह आज्ञा ए बापा माँ गुरु शिक्षा देले सबो शास्त्र पुराण वेद वेदांत उपनिषद धर्म तत्व इतिहास पुराण ए झील पढ़िला मुकुता मुकुता राजा लाउचंद्र रानी मौनावतींकर कन्या हैला मुकुता ये सबू पाठ गुड़िक पढ़िले आस्ते आस्ते बयस होगला जौवन 16 वर्ष रे पहुँचला झील ऋषि देखिले गुरु गोरखनाथ देखिले कहले ना ए झीर एणिकी विवाह समय हैला राजा को डाकिले राजन तम कन्यार विवाह समय हो गला एणिकी ता दायित्व तमे नियो केमिति विवाह करिवो कोठी विवाह करिवो ता दायित्व तमे नियो कारण पर अन्य गोत्रीय हब कन्या तम गोत्रु आउ गोटे गोत्र को जीव कन्या प्रदानर समय आसीगला। राजा लाउचंद्र कन्या को जेते बेले अनेइले झियो को एते दिन पाठ पढ़िबा परे झियर रूपरे गोटे चमक जेमिति आसीची काई जानचंती आज्ञा जे ब्रह्म ज्ञान आहरण करिवो ता चेहरा रे चमक अलग आसीबो। हां आउ जेते ज्ञान अछि संसार रे आज्ञा नाटा ब्रह्म ज्ञान काई की शिव परा गौडेइले मारिबा पई ब्रह्म ज्ञान सुआटा सुनी देला बोली हां माँ पार्वती हूँ मारुचंती शिवशंकर ब्रह्मज्ञान कहूचंती आज्ञा। पार्वती को निद्रा आसीगला पार्वती माँ शोई पड़े एणे शुकपक्षीटा मला शुकपक्षीटा गछरे पड़ता ब्रह्मज्ञान शुणी शुकपक्षी जीवन पाइला एवं शिवंकर प्रत्येक कथार हूँ मारिबा आरंभ कला सबु कथार हूँ मारिला जेतबेले शिव जानिला रे पार्वती तो शोइचंती उमा तो शोइची हूँ मारुची किए देखला बेलू को सुख पक्षी कहला ये ब्रह्मज्ञान ये प्रकट करदेव गोड़े मारे। व्यास पत्नी स्नान सारी फेरुले गर्भर आश्रय नेला शुकपक्षी। शुकपक्षी को बाहर करने कहवापर त्रिशूल उद्यत कले भगवान शिवशंकर मारिदेवाई व्यास पत्नी को किंतु परे शुकदेव जन्म ग्रहण कले। ये शुकदेव जे कि जन्मरू ब्रह्मज्ञानी तेणु ब्रह्मज्ञान जी पढ़व जी जानव जी शुणव जी अनुभव कर चेहरार चमक अलग आज्ञा सत ये परा ब्रह्मज्ञान सबु ज्ञान ऊपर श्रेष्ठ ज्ञान हूँ ब्रह्मज्ञान। भगवान कपिल तांको मां को ब्रह्मज्ञान शुणी आज्ञा। हाँ 32 अवतारे एक कपिल से पुणी छवि लंपट बट खीरे जट करी परकट पिंधिले बकल पट बाहे इंगुदी माल बेनी कर्णे मकर कुंडल। 32 अवतार भितर गोटी अवतार हूँ भगवान कपिलंकर गोटी अवतार। भगवान कपिल तांको माँ देवहूति को शुणेले ब्रह्मज्ञान। मु कहूनी आज्ञा ओडिया भागवत लेखा अच्छी कौन कहंती कपिल गोसाई से देवहूति मुख जाहि। गोविंद 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 पद गाळुछि मकरंद भमात हुआ सावधान ब्रह्मज्ञान शुणी पुआ आज्ञा भागवत मतरे ये से ब्रह्मज्ञान। गुरु देखिले राजा पाखे झील को छाड़िले महाराज आपण कन्या वर्तमान विद्यार पंडिता ब्रह्मज्ञानी राजा पाखे कन्या। राजा झील को अनेले बापा पाद तले झील मुंडिया मारला। बापा अनेले अरे माँ कौन पढ़िलु विद्या शिक्षा कलु हाथ जोड़ी झील कहला हाँ बापा जीतिकी पारिछि ज्ञान रूपक समुद्र रू गोटे जोड़े बालिकरणा संग्रह करिछि। यही तो हूँ ब्रह्मज्ञानी लक्षण जो मैंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता से केबे गर्व करती केबे अहंकार करती मुंड पातिकी सबू सही जाती आउ संसार रे जेते दुख जेते दोष सबू निज मुंड उपर को नहीं जाती मु पछके दोषी हो जाए संसार समस्ते निर्दोषी होता ब्रह्मज्ञानी लक्षण। बापा आनंद रे निज झील को कुंडे पकेले झील ब्रह्मज्ञानी झील मुकुता राजा पाखे रहिला। एणे पूर्व प्रसंग को आसंतु आज्ञा। राजा माणिक चांद बा माणिक चंद्र 99 गंडा राणी विवाह करिसंती किंतु संतान टिए पाई नाहंती। फल राजा मन दुख एवं आउ गोटे शेष बह करे बोली स्थिरीकृत करिबा परे रानी मानक सहित विचार विमर्श करिबा परे राजा प्रस्तुत हेले आउ थरे विवाह करिबे। एटा शेष विवाह कहा संगे विवाह होबो? राजा चिंता कले मु तो बंग देशर राजा किंतु अंग देश रे खबर पाइले ये मुकुतांक खबरटा राजा पाइले। ए माणिकचांद माणिकचांद को काने खबर पड़िला लाउचंद्र राजा रानी मौनावती कन्या मुकुता देई इत्ते ज्ञानी विदुषी महिला तेणुकर जिते खबर पाइले राजा चिंता कले मन मन नाई सेठी विवाह प्रस्ताव पकेबा पकेबा जे कहा हाथ रे प्रस्ताव देबेनी आगे चार हाथ रे खबर पठेई देले। खबर पठे कि राजा निजे विजय गले निजे राजा गले लाउचंद्र राजांक राज्य रे पहुँचले। राजा लाउचंद्र जेतबेले देखिले राजा माणिकचंद्र आसीचंती सुंदर सुगुणवंत एवं सुशासक नाम रे तांकर ख्याति अछि ना अछि जथा सम्मान रो सह राजा नै बसैले। पुछा कले काहे के आसिले आज्ञा कोंत म आपनकर कोन सेवा करिबे आज्ञा पितृ प्रदत्त कन्या एठी राजा माणिकचंद्र कहिले हाथ जोड़ी हे राजन मु आपनक पाखकु किछि आशाय हे आसीछि किछि मागिबा पाई मते मागिबे कहंतु कोन दरकार आपनकर? राजा माणिकचंद्र कहिले हे राजन अनेसत गंडाराणी विवाह करिली संतान रे सुख पर मोहिन पाइले। गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे परमानंद शेष विवाह करिबी मन रे भाबिछि शेष कन्या बोली मुझे वरण करिछि। गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे परमानंद जय श्री राधा गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे परमानंद। कौन हला अनेशत गंडा राणी मु विवाह कली 396 किंतु संतानटीए काहारी पाखुरु पाइलिनी। हे राजन माणिकचंद्र कहउचंती राजा लाउचंद्रंकु हे राजन शेषरे स्थिर कली आउ गोटे शेषरे विवाह करी आउ जो बहटी करी जदि प्रभुंर दया थाए भगवान दया थाए ताले संतानर मुह मु देखी मुझक पाखक आशायी हो आसी। लाउचंद्र कहले कहतु मु कौन करी? माणिकचंद्र कहले मु शुणी आपणकर सुगुणवती ब्रह्मज्ञानी बहुत भल कन्याटी अच्छी आपणकर ता ना होची मुकुता मु चाहूँगी आपणक कन्यार पाणी ग्रहण करी आईटा मोर शेष बह हम तेणिक आपणक इच्छा कहीं कन्या हूँ आपणकर बापर झील उपर संपूर्ण अधिकार गोटे पद ना जड़े कवि कही पूर्ण अधिकार भोणे जे शास्त्र तांकु नमस्कार। गोविंद गोविंद श्री राधा गोविंद नंदर नंदन हे परमानंद। सूतारे पितांक पूर्ण अधिकार भणे जेऊ शास्त्र तांकु नमस्कार झियो उपरे बापर संपूर्ण अधिकार आया। तेणु हे राजन मो हाथ जोड़ी आपनक पाखरे विनीत होउची एवं मो प्रार्थी प्रार्थना करिबाकु आसीची आपनक कन्या सुगुणवती सुशिक्षिता आपनक कन्या मुकुता सहित मोर विवाह दियंतु। राजा लाउचंद्र कहले ठीक अच्छी आपण मत कहले सीना किंतु झीओ पर तो मोर संपूर्ण अधिकार हेले भी ता माँ अच्छी ना राणी मौनावती मु ता माँ को टिके पचारे आपण अतिथिशाला रहंतु मु कथा हेई आपण को खूब शीघ्र जनाऊँची एतिकी कही राजा लाउचंद्र चलीगले मो राणी मौनावती निकट को राणी की पचारे कौन कहूच आज्ञा झीटीए बह दवापाई बाप माँ भितर बहुत वितर्क लगे बहुत वितर्क आज्ञा बाप माँ भितर कारण कन्या क्या प्रदान करेंगे कन्या प्रदान करने पर कन्या सुखी हम कि न हम ये कथा किए किए कह कथा तेणुक राणी मौनावती निकट में पहुँचवा पर राजा पचारे राणी कह कौन करवा राजा माणिकचंद्र निजे आसीचंती एवं से चाहूचंती तम कन्यार पाणी ग्रहण करने कौन कहूच मौनावती कहले ये तो भाग्यर कथा मु सुनिची राजा माणिकचंद्र ना राणी कहले किंतु टिके दुख रहीगला ना कौन दुख अनेशत गंडा राणी सी बह कर मो झीटी एत अलीअल बढ़ी मो झील से 396 पर 397 नंबर राणी होकर रहा है राजा कहले नाई आम झीर पाणी ग्रहण सी करने को ये आसीचंती संतानटीए दरकार किंतु 396 जन राणी भितर काहरी संतान होनी राणी कहले ताले आम झीर हम बोली माने कौन कहले नाई नाई माने नहीं जे तथापि कौन कहूच तमे राणी मौनावती चिंता करुचंती राजा मध्य चिंता करुचंती कौन करिबे आज्ञा प्रस्ताव रे हाँ मारिबे ना नहीं करिबे जदि नहीं करेंगे संपर्क सबुदिन खराब हम जदि हाँ मारे एणे 396 राणी पर ये 397 राणी हम राजा राणी दुई जन जाक विचार विमर्श करुचंती गोटे श्लोक मन पड़ुच आज्ञा पुत्रे जाता महती बचिंता कस्मै प्रदयिता इति मे वितर्क दत्वांग सुखं प्राप्स्यति वा न वेति कन्या पितृत्वं खलु नाम कष्ट कौन कहे पुत्री जाता महती बचिंता पुत्री माने कन्याटीए जन्म हेले बहुत चिंता बढ़ी जाए कहीं ना कस्मेई प्रदेयित काहाकु प्रदान करिवे इति में वितर्क आकु नेकी तर्क वितर्क लगी रहे दत्वांग सुखंग प्राप्स्यति वा न वेति दत्वांग माने देई सारिबा परे कन्या संप्रदान करि सारिबा परे आम कन्या ता सासू घरे सुख पाइबो कि न पाइबो ए ग्यारंटी के दबो तेणु कन्या पितृत्वम खळु नाम कष्ट बाप माँ भितर द्वंद्व लागिला माँ कहूछ मुराजी किंतु मो झियो एठी जो सुखरे अछि सेठी से सुखरे रहिबो तो राजा कहले निश्चय रहिबो राणी किंतु कहले सुण मु मना करूनी बाहागर नकर बोली किंतु मो मन काई कहउछि मो झियर किछि दुख दिन अछि राजा कहले कोन दुख दिन राणी कहले मु जाननी किंतु मो मन भीतर आया ए मां जति कि मां माने अछ तम पुओ स्कूल जाईछि किबा कॉलेज जाईछि फेरबाटा विलंब हैला माँ मैंने तुम मन भितर केते प्रकार कल्पना पलि आसो काली तो 4टा बेले पलि आई आज 5टा बाजिला 5:30 है कहीं आइलानी मो छुआ को किए नहीं नुआ गले कि अपहरण करने कि आज्ञा काल काल जिनस गुड़ाक मन भितर पलि आसो मो छुआ आसुला बाटर कौटी गाड़ी धक्का होगा कि काल जिनस गुड़ा पलि आसो मो छुआ ता देहपा कौन खराब होगा कि पड़गला कि कौटी जेती कहीं कहले आज्ञा मार मन ना आउ हाँ एमती दिने दिने हुए मनरे जो कल्पना कथा गुड़िक आसे से गुड़ाक रूपांतरित तो हो जाए से भागवत गोटे पद लेखा अच्छी कौन कल्पना मुखे कालो थाई प्रणीता जानी न पारोई आहा गोविंद 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 कल्पना जोठी आज्ञा काल से बाबा माँ कौन कौच राणी कहले आगामी काली पे समय नियो आम आउटे विचार करवा कथा हाँ राजा कहले हाँ सी तो आम अतिथिशाला अच्छा असुविधा किसी ना तेणुक आज राति आम बस विचार करवा आसंता काली प्रभात आम आम निष्पत्ति जनइबा ठीक अच्छे सरीगला कथा आज्ञा निष्पत्ति खाली राजा जनइबे आम भी निष्पत्ति शुणवानी काली पर्यंत आम भी अपेक्षा कर कौन निष्पत्तिटा हो निष्पत्ति पर सीना जहाँ करवा तेणु आज विदाय नवा आगामी काली निष्पत्ति हेलापर पुणी आलोचना करवा आज तो समय विदाय नवा को बाध्य कला किंतु आजर अध्याय आम शिखिले कौन आम एति शिखिले ए जेतिकी बापा माँ मैंने अछ झीर बह कि पुअर बह जो करूँ आज्ञा तरबर भाव में निष्पत्ति केबे नियंतुनी कहीं कारण इटा जीवन सौदार कथा हाँ बेला बासन नुह जे बदलई देबे जीवन सौदार कथा गोटे पुओ गोटे झील सहित ता सारा जीवन कटेब तेणु बहटा जिते बड़े झीर पुअर करोचंती आपण भल भाव में निष्पत्ति नियंतु भाबी चिंती तापरे कार्य को आग को नियंतु नचेत जदि आम तरबरिया भाव में कौन निष्पत्ति नहीं जाती आम झील जीवन नष्ट हो पारे कि आम पुअर वैवाहिक जीवन नष्ट हो पारे ना तरबर रे निष्पत्ति न नहीं भाबी चिंती बुझी विचारी तापरे निष्पत्ति नियंतु आउ तरबर रे जो निष्पत्ति नियंती ए निष्पत्ति क्षतिकारक होता है मन रखिले मंगल हब ये थिला आजिर कार्यक्रम पुणी आगामी अध्याय भेट हवा।